Komplement bär. Hässing Olga Penkosi Hetzpako. Hoga Basulium Olga. A payment bed bongola say a semi final round songula. A John Gonyinga Hetzpako. Mula say 8 contestants Sulium Mula Betalin la. Also 8 contestants Oga Sulium and Omgo Bula eliminate but Oga, especially Sulumga Hanbo, Chief Guest, Mulga Achi, Advocate. Tadar Dominic Achi Nam Alba Hatohal Soga Parang Durbu Soga Nam Go Pailin Johal Humre Gadine Soga Parang Soga Do Mung Sikur Balokam Tung Moya Cha Sikur Tan Lai Mulia Bulog Da Bulog Do Mung Sikur Yung Ga Jasmine Mulga Jaz Tangam Bena Tapu Venamam Kaya Tab Haj Bung Mulga Miss Tadar Rinya Hamu Holaga Mulga Si Kosi Haj Pakul Junior Engineering, Hydro Power, Tawang and the old team. Malang Allah ka atar chita ya to benor sakar tari sakar Muhammad Allah ka alu bache pya ya to. Very good. Continue please. Oh Allah kam atar ja bala Mudune guest of honor like ha babu nulam kam go hintar kuch kam cha to bengal committee taya hoge anya go aki na to request mudune ai ngol ge asa mo kala pa na sabing tam tus nul malangan si james tele kam dar nul ye kam ching mari ram so ge pilum rinya ri ma ekteri ba ma ki ku bana ai o si je mo si present so me sare ga ma parunachal सीजन वन के मैं ऑर्गेनाइजिंग से कितनी दो तो ना कागप तो है अरुंधुल कम बुलारी कम सुरी रोग कागप तो और सी मोरिया में तो मोचिंग पाक मोतियान कुमार ना मोरिया में तो मैं मुसिंगर ची पेट्रोल ने दवाई बा बोले बुल निजे पर्सनल प्रॉब्लम का वे हाच न्यू मागा वे अब बुरु अन्य बुरु आता क्यों सिंग हम नुकागे तो क्यों है जितु के बुले का महागम का वेंगो सुरिम्यो समनागरी ने सी है बेरी पा सो हान्या बुगे सत्तागम Oke so jiman haba buam oke so nampak mana abuam serim so istilah so ngolin do briumin do dal yoger ini si sekiranya de mana riji keri ya ke do do kun lah hebat itu si so si so season one parang boys so parang si ini season one hai boys so parang ka sebse pele me yahan ke organizers ko mere dil ki gehrayon se
कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। परंग जैसा जगह में उतना सुंदर म्यूज़िक को, गाना को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया है, और मुझे लगता है कि जो जितने भी परफॉर्मेंस हमने जो विटनेस किया है, आई थिंक दे हैव डन वेरी वेल, बहुत बहुत अच्छा किया है। और मैं सीजन टू में आई थिंक दे विल प्रोग्रेस मोर और आगे बढ़ेगा। हाँ, मैंने मेरे जो ये स्पीच में, शॉर्ट स्पीच में बोल दिया, और जितने यहाँ मतलब मैं यहाँ आया, ये जो वॉइस ऑफ पारंग को मेरे जो जितने भी कैपेसिटी है मैं मदद करूँगा। और आज भी मैंने यहाँ कमिटमेंट दिया है कि यहाँ जो सेकंड प्राइज जो है, मुझे जो रिक्वेस्ट किया गया है सेकंड प्राइज को मैं दे दूँगा। और ये कार्यक्रम के बाद में अगर कुछ हमारे जो कमिटी की ओर से कमियाँ होने से इसमें मैं भागीदारी रहूँगा, मदद करेंगे उन लोग को। ये गलत कमेंट्स करने वालों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि अब भी कुछ करने को कोशिश ज़रूर करना है। जो कुछ करने को कोशिश कर रहा है उनके प्रति, उनके ऊपर गलत कमेंट्स करने के बदले में आप खुद कुछ अच्छा, कुछ सही काम, कुछ अच्छा काम, कुछ प्रोग्रेसिव काम करने को कोशिश करें तो अच्छा है। जैसे कि वॉइस ऑफ परंग है, ये एक म्यूज़िक और संगीत और ये जो गीत को प्रमोट कर रहा है ना, इसमें देखो ये म्यूज़िक वर्ल्ड इज़ ऑल्सो ए वेरी बिग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। यहाँ बड़े बड़े जो सिंगर्स, म्यूजिशियंस प्रोड्यूस हो सकता है, इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। इट्स ऑल्सो यू नो ए सोर्स ऑफ एंगेजमेंट, हमारे जो आर्टिस्ट के जरिए से बहुत लोग अच्छा गाना गा के, अच्छा म्यूज़िक बना के, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होते हैं। और ये जो म्यूज़िक, इनफैक्ट म्यूज़िक एंड सॉन्ग, इट्स ए पार्ट ऑफ यू नो, इट्स ए पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ। जो म्यूज़िक और म्यूज़िक एंड सॉन्ग इज़ नॉट ओनली यू नो एंटरटेनमेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट और हंसी मजाक हूँ हाँ करने के लिए नहीं है। मैंने ये जो म्यूज़िक एंड जो सॉन्ग जो होता है, मेरे जो अपने अंडरस्टैंडिंग से, ये जो है आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल से कनेक्टेड है। ये आदमी को क्या है कि जो जब दुखी होता है, जो जब तकलीफ होता है, जब आदमी स्ट्रेस में होता है, म्यूज़िक सुनने से, गाना सुनने से आदमी को फिर से, जो मरा हुआ आदमी को भी ज़िंदा करता है। हाँ, और फिर से आदमी को जो बीमार है और जो दुख है, तकलीफ है, म्यूज़िक सुनने के बाद बहुत लोग आदमी लोग फ्रेश हो जाके, एनर्जेटिक होके फिर से हमारा समाज के लिए अच्छा सेवा और अच्छा एनर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप स्टेट के सारेगामा के आप चेयरमैन हैं, जैसे कि आज यहाँ पे वॉइस ऑफ पारंग का जो टैलेंट जो है, अगर यहाँ से अगर जो विनर होकर चला जाता है, क्या उनको आप आपका सारेगामा पा में आप चांस देंगे उनको? देखिए, मैं तो एक्चुअली मेरा खून में आर्टिस्ट है ना, तो इसलिए मैं हर जगह में जहाँ ये जो संगीत का दुनिया है या कुछ भी मतलब कल्चरल इवेंट हो, उसी में हमेशा मैं उस चीज़ को अच्छा लगता है। क्योंकि आप जो सवाल पूछा है सारे गामा पा में जो यहाँ का जो हुनर को, मैं ऑलरेडी थोड़ा मेरा स्पीच में बोल चुका है कि यहाँ का तीन कैंडिडेट्स को मैं डायरेक्ट मेगा ऑडिशन में लेके आएगा, और अपना खास अपना एरिया का और भी मैं दिल से उन लोगों को प्रमोट करना चाहूँगा। और ऑलरेडी कमेंट किया है मैं तीन पार्टिसिपेट को लेके जाएगा स्टेट लेवल में ना, वही है। जैसे कि आपका जो वॉइस ऑफ पारंग में जो आदि जो टैलेंट लोग है, उसका टैलेंट को आपका जो सारेगा आप कैसा फील करेगा? देखिए, ये वॉइस ऑफ पारंग हो या अरुणाचल आइडल हो या और पारंग आइडल हो, कुछ ये नाम से कुछ नहीं होता है, सिर्फ सब प्लेटफॉर्म तो सेम है। कुछ भी होने से वॉइस ऑफ पारंग हो या आइडल हो, क्योंकि वो संगीत का दुनिया है या ये सब है, तो इसीलिए मैं कुछ तो डिफरेंट फील नहीं होना चाहिए, और ये सब सेम प्लेटफॉर्म है। बॉयस कैसा लग रहा है यहाँ सुन के? तो अच्छा लग रहा है बहुत। यहाँ ये एक छोटा सा जगह है पारंग बोलने से, एक सर्कल है, सर्कल में इतना पार्टिसिपेट आया है तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और उन लोग का जो गाना को सुन के बहुत अच्छा लगा है, और उन लोग कोशिश करने से और रिहर्सल करने से, हम लोग का यहाँ अंदर में तो ये सिस्टम नहीं है ना, रिहर्सल करने से बहुत और अच्छा आगे जाएगा, उसको अच्छा से गाइड करने से बहुत अच्छा से आगे जा सकता है उन लोग।